बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरमा अनफाल साहिबा ने मुझसे पूछा था कि ऑफिस में प्लांट्स ग्रो किस तरह से किए जा सकते हैं, किस तरह से उनको लश ग्रीन रखा जा सकता है। तो ये बड़ा बेसिक सा असूल है कि आप प्लांट्स को फॉरएवर ग्रीन रख सकते हैं, इवन इंडोर भी। तीन बेसिक चीज़ें होती हैं जो प्लांट को चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए। हवा चाहिए होती है, रोशनी चाहिए होती है, और पानी चाहिए होता है। इंडोर प्लांट्स को आपने पानी कम देना है, कम पानी देंगे क्योंकि ज़्यादा हवा नहीं होती इंडोर। तो होता यह है कि वेपरेट नहीं हो सकता पानी, तो ज़्यादा पानी देंगे तो रूट रॉट होने का जो है वो अंदेशा रहता है। लेकिन रोशनी जो है वो किस तरह की आपने देनी है ये देखें। ये इस तरह की ट्यूबलाइट्स मेरे पास लगी हुई हैं। नॉर्मल ट्यूबलाइट में भी ग्रो किया जा सकता है इंडोर प्लांट्स को इजीली। हवादार जगह होनी चाहिए। ये है एक प्लांट मेरे पास पड़ा हुआ, ये भी स्पाइडर प्लांट पड़ा हुआ है। ये देखें, ये इस तरह के सीमेंट के पॉट में मैंने ग्रो किया हुआ है, और ये भी हेल्दी स्पाइडर प्लांट पड़ा हुआ है। ये देखें, आइसक्रीम के डब्बे में ग्रो किया हुआ है। और प्लांट को आपने डायरेक्ट एसी की हवा के सामने नहीं रखना। ये देखें, डायरेक्ट एसी की हवा के सामने नहीं रखा हुआ है, मैंने थोड़ा साइड में करके रखा हुआ है। इस जगह पे हटा के रखें, ये देखें, और ये। और इसका एक तरीका ये है कि आप जो है वो वीक डेज में, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक, आप प्लांट्स को अपनी सीट पे रख सकते हैं, और 2 दिन के लिए प्लांट्स को जो है वो आप बाहर निकाल दें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना हो, लेकिन हवा और रोशनी जो है वो प्लांट्स को मिलती रहे। डायरेक्ट सनलाइट से आप अगर प्लांट को डायरेक्ट इंडोर से डायरेक्ट सनलाइट में लेके जाएंगे तो उससे जो है वो प्लांट्स ख़राब होने का अंदेशा रहेगा कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट धूप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो है वो इसे साई वाली जगह पे आपने रखना है, 2 दिन के लिए पानी दे दें और हवा में पड़ा रहने दें। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। इस तरह से आप इजीली प्लांट्स को जो है वो इंडोर अपने ऑफिसेज में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।